हाय माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास इंटरमीडिएट, प्यारे बच्चों, हम लोग सिंथेसिस के अंतर्गत कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के निर्माण को सीख रहे थे, जहां पर हम लोग एडवर्ब क्लाज का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण कर रहे थे। बेटा, एडवर्ब क्लाज सब ऑर्डिनेट क्लाज है और एडवर्ब क्लाज प्रिंसिपल क्लाज के किसी वर्ब एडवर्ब या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, जिसमें हम लोग एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, बेटा एडवर्ब ऑफ कंडीशन का अध्ययन कर चुके थे। आज हम इस क्रम में बढ़ते हुए एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन को देखते हैं। फिफ्थ नंबर पे एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन, बेटा कंपैरिजन माने होता है तुलना, तो तुलना को व्यक्त करने के लिए कंजंक्शन है आपके एज और एज, शो और एज, देन। शो एज और एज का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री के लिए और देन का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री के लिए किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, एज और एज का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री, अर्थात पॉजिटिव डिग्री को एज एज के बीच में, पॉजिटिव डिग्री को शो एज के बीच में लिखा जाता है और देन का प्रयोग हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में करते हैं, देन से पहले कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। ध्यान ये देना है, एज और एज का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में, सो एज का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। ध्यान देते रहिएगा बेटा। तो अब आपको कुछ करना नहीं है, बस तुलना, जैसे कहा जाए सी इज प्रीटी, सी इज प्रीटी, बेटा वह सुंदर है, हर सिस्टर इज प्रीटी, हर सिस्टर इज प्रीटी और उसकी सिस्टर भी सुंदर है। कहने का ये मतलब है कि वह उतनी सुंदर है जितनी कि उसकी बहन, अर्थात उसकी सुंदरता और उसकी बहन की सुंदरता बराबर है। तो बेटा ना ए ज्यादा है ना ए कम है, तो इसलिए आप एज एज का प्रयोग करिए, क्योंकि दोनों में इक्वलिटी दिख रही है। अगर इक्वलिटी दिख रही है तो हमें प्रयोग किसको करना है, एज को। तो कहा जा सकता है सी इज एज प्रीटी एज हर सिस्टर, वह उतनी सुंदर है जितनी कि उसकी बहन। तो कह मैंने बात ये कहा बेटा, ध्यान देना कि इक्वलिटी अगर प्रदर्शित हो रही है तो हम वहां पर प्रयोग करते हैं किसका, एज और एज का। अगर किसी में ज्यादा या किसी में कम का भाव है, अनइक्वलिटी, तो वहां पर आप सो एज या अथवा देन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सी डिड नॉट रन क्विकली, दूसरा उदाहरण है सी डिड नॉट रन क्विकली, वह तेजी से नहीं दौड़ी, हर सिस्टर रन क्विकली, हर सिस्टर रैन क्विकली, बेटा वह तो तेज नहीं दौड़ पाई लेकिन उसकी बहन तेज दौड़ गई ना। जब बहन तेज दौड़ गई, दोनों में अनइक्वलिटी है,
यहां पर इक्वलिटी थी, आपने एज एज का प्रयोग किया। लेकिन यदि दोनों में इक्वलिटी नहीं है तो आप वहां पर शो एज या देन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सी डिड नॉट रन सो क्विकली एज हर सिस्टर। सी डिड नॉट रन सो क्विकली, वह उतनी जल्दी नहीं दौड़ी एज हर सिस्टर जितनी कि उसकी बहन, जितना कि उसकी बहन। तो बेटा देखिए, ध्यान ये देना है, इक्वलिटी है तो हम एज एज का प्रयोग करेंगे, पॉजिटिव सॉरी अफर्मेटिव है तो एज एज का प्रयोग करेंगे, यदि अनइक्वलिटी है तो सो एज का प्रयोग कर लेंगे। सो एज के साथ साथ बेटा हम इसमें देन का भी प्रयोग कर सकते हैं। आइए इन्हीं दोनों वाक्यों को देखते हैं। जैसे सी, ठीक ना, इसमें देखिए दौड़ने वाला, दौड़ने ये तेज दौड़ रही हर सिस्टर रैन मोर क्विकली, हर सिस्टर रन मोर क्विकली देन सी, हर सिस्टर रैन मोर क्विकली देन सी, उसकी बहन उसकी तुलना में ज्यादा तेज दौड़ी। यहां पर बेटा तुलना का भाव आ रहा है, इसलिए आप चाहे इसको सो एज अथवा मोर के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, यहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बेटा अगर हम आगे बढ़ते हुए और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे दिस बुक इज इजियर, दिस बुक इज इजियर, यह किताब आसान है। That book is easy. That book is easy. वह किताब आसान है। अब बेटा देखो, ध्यान ये देना है कि इसमें कौन ज्यादा, ये ज्यादा आसान है इसकी तुलना में। तो this book is easier than that book. This book is easier than that book. यह किताब उस किताब की तुलना में ज्यादा आसान है। अंडरस्टैंड? तो ये रहा बेटा एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन, आप इसको नोट कर लीजिए अथवा स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ें और आगे के एडवर्ब की चर्चा को हम लोग जारी करें। तो हम मिटा रहे हैं बेटा, देखना एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन आपका हो गया। आगे अगला हम लोग देखते हैं एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट, पॉइंट नंबर 6, एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट। बेटा कंट्रास्ट का मतलब होता अंतर या विरोध, अंतर या विरोध। कंट्रास्ट का मतलब होता है अंतर या विरोध को बताने के लिए कंजंक्शन दो आल दो Even if, though, although, even if का प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आ रही है बेटा? हाँ, तो though, although,
इवन इफ का प्रयोग प्रथम क्लाज, और वही प्रथम क्लाज आपका एडवर्ब क्लाज हो जाएगा, प्रथम क्लाज में करते हुए, ध्यान दीजिएगा, दोनों क्लाज के बीच में, दोनों क्लाज के बीच में कामा का प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आई बेटा? अंतर हो जाएगा दोनों में, स्पष्ट रूप से आपको अंतर दिखलाई पड़ेगा। यहां पर बेटा दो आल दो इवन इफ का अर्थ होता यद्यपि, क्या अर्थ होता बेटा? यद्यपि। बात समझ में आ रही है? तो अब जैसे कहा जाए यद्यपि वह गरीब है फिर भी ईमानदार है, तो बेटा चाहे आप दो का प्रयोग करिए और चाहे आल दो का प्रयोग करिए और चाहे इवन इफ का प्रयोग करिए, जैसे कहा जाए ही इज पुअर, वह गरीब है, ही इज ऑनेस्ट, बेटा वह ईमानदार है। अंतर देख रहे हैं भाई? गरीब होने के बावजूद वह ईमानदार है। बात समझ में आए? तो आप ये कह सकते हैं यद्यपि वह गरीब है फिर भी ईमानदार है, तो आप प्रथम क्लाज को करेंगे दो ही इज पुअर, कामा यहां लगेगा, फिर भी ही इज ऑनेस्ट, यद्यपि वह गरीब है फिर भी ईमानदार है। यहां पर बेटा आप आल दो का भी प्रयोग कर सकते हैं, आल दो ही इज पुअर कॉमा ही इज ऑनेस्ट। आप यहां पर इवन इफ का प्रयोग कर सकते हैं, इवन इफ ही इज पुअर कॉमा ही इज ऑनेस्ट, तीनों का प्रयोग करिए आप एकदम बेधड़क किसी प्रकार का। जैसे बेटा ही वर्क हार्ड, ही फेल्ड, उसने कठिन मेहनत किया लेकिन बेटा वो फेल हो गया, ठीक ना। ही रैन फास्ट, ही डिड नॉट गेट द फर्स्ट पोजीशन, वह तेज दौड़ा फिर भी प्रथम पोजीशन को प्राप्त नहीं कर सका। आप नोट कर लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बेटा आगे देखते हैं। अगला होगा आपका एडवर्ब ऑफ रिजल्ट, परिणाम को प्रदर्शित करने के लिए, तो मिटा दे। हाँ बेटा, एडवर्ब ऑफ रिजल्ट पॉइंट नंबर 7, एडवर्ब ऑफ रिजल्ट। रिजल्ट माने परिणाम होता है, परिणाम को प्रदर्शित करने के लिए बेटा, परिणाम को प्रदर्शित करने के लिए कंजंक्शन शो दैट, कंजंक्शन शो दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक ना, पॉइंट है बेटा, शो का प्रयोग प्रथम क्लाज में एडजेक्टिव से पूर्व,
तथा दैट का प्रयोग दूसरे क्लाज के प्रारंभ में, ठीक ना बेटा। इससे परिणाम आपको क्या कहते हैं दिखाई पड़ने लगेगा। जैसे कहा जाए तो यहां पर बेटा एक क्लाज में, इसको एक पॉइंट कर लीजिए, पॉइंट नंबर दो, किसी एक क्लाज में कारण तथा दूसरे क्लाज में परिणाम, परिणाम प्रदर्शित होता है, ठीक ना। तो बेटा जिसमें कारण दिखेगा उसमें शो, जिसमें आपका कारण दिखेगा उसमें शो लगेगा, परिणाम वाले में दैट लगेगा। ध्यान देना है, जिसमें कारण दिखेगा उसमें शो का प्रयोग किया जाएगा और जिसमें परिणाम दिखेगा उसमें बेटा हम लोग दैट का प्रयोग करेंगे। जैसे बेटा ही वाज वेरी पुअर, ही वाज वेरी पुअर, वह बहुत गरीब था, ठीक ना। ही कुड नॉट बाय दिस बुक, वह इस किताब को नहीं खरीद सकता था। ही वॉज वेरी पुअर, बेटा वह किताब को नहीं खरीद सकता था, परिणाम है। किताब क्यों नहीं खरीद सकता था, कारण है। तो बेटा जहां पर कारण दिख रहा है यही एडजेक्टिव है, इससे पहले हम शो का प्रयोग कर देंगे। जैसे ही वाज बेरी के स्थान पर हम शो लगा देंगे पुअर, अब परिणाम, परिणाम के साथ दैट अर्थात उससे पूर्व है, क्योंकि आपने साफ साफ लिखा है कि तथा दैट का प्रयोग दूसरे के प्रारंभ में करते हैं। तो दूसरा ये है दैट ही कुड नॉट बाय दिस बुक, ध्यान दीजिएगा, ही वॉज सो पुअर, वह बहुत गरीब था, दैट ही कुड नॉट बाय दिस बुक। इस प्रकार से आपका एग्जाम्पल आपके सामने आ गया, क्लियर हो रहा बेटा। जैसे कहा जाए ही इज वेरी वीक, ही इज वेरी वीक, वह बहुत कमजोर है, ही कैन नॉट वॉक। अब बेटा वो क्यों नहीं टल सकते, क्योंकि वो कमजोर है। तो यहां पर हम इसको जब कंबाइन करेंगे तो ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, हो गया। एक में परिणाम और एक में आपका कारण प्रदर्शित हो रहा है, आप इसे फटाफट बदलते चलिए। तो ये रहा बेटा आपका अगला होगा एडवर्ब ऑफ पर्पस, एडवर्ब ऑफ पर्पज। तो बेटा अगर आप कहें तो यहीं पर हम इसको समाप्त कर दें और अगले लेक्चर में, लेक्चर फोर्थ में शेष बचे हुए अंश को लेकर के हम आएंगे, क्योंकि बहुत वीडियो बड़ा हो जाएगा तो आप भी उबने लगेंगे। तो यहीं पर हम समाप्त करते हैं, ठीक ना। पार्ट 14 लेक्चर थर्ड, अगला पार्ट 14 लेक्चर फोर्थ में हम दे देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्यारे बच्चों एक्सरसाइज करिए, दिक्कत आए तो आप मुझसे संपर्क करिए, मैं आपकी समस्या को जरूर हल करूँगा। हाँ, जो नए बच्चे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कर लें ताकि वीडियो आप तक पहुँचे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।